प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊं। अगर आप लोग इसी आस्था प्यार के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाए। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरु मंगल ग्रह की युक्ति है, कुंडली के किन किन भावों में आपको महाभाग्यशाली बनाता है, सफलता प्राप्त कराता है। जिसकी कुंडली में लग्न में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग बचपन से ही राजा के समान सुख पाते हैं। जीवन में ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी इनको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जिसकी कुंडली में चौथे भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग सांसारिक सुख पाते हैं, पारिवारिक सुख पाते हैं, सामाजिक सुख पाते हैं और जीवन में जिस कार्य में भी ये हाथ देते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं। ऐसे लोग समाज में विद्वता से पूजे जाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, चरित्रवान भी होते हैं और व्यक्ति को प्रभावित करने की इनमें क्षमता भी होती है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग अचानक सरकार से पद पाते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक मंत्री बनते हैं, समाज में अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं और इनके पास जो कुछ भी इज्जत प्रतिष्ठा धन दौलत रहता है, स्वयं का निर्माण किया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में गुरु मंगल की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ये कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर धर्मशाला अस्पताल बनाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आज मैंने गुरुवार के दिन, रिश्वत गुरु के दिन आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जिस सब ने भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।